वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट 5 फरवरी 2021 को थर्ड क्वार्टर के आ गए और रिजल्ट जो है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहे। और जो मर्जर प्रोसेस थी इसकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इस तरह का ये रिजल्ट के पहले भी इन्होंने जानकारी दिया था 28 दिसंबर को, और अभी उसका कन्फर्मेशन इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया उसमें भी दिया हुआ है और रिजल्ट के जो डिस्क्लोजर है उसमें भी दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज एंड पब्लिक डोमेन एंड पब्लिश्ड इन गुड फेथ। व्यूअर इन देयर ओन इंटरेस्ट मे लाइक टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंसर्न सोर्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर कमिटिंग एनी मनी। तो इसके पहले पंजाब नेशनल बैंक का पहला वीडियो 29 दिसंबर को अपलोड किया गया था, तब तक जो है सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट अवेलेबल थे और उसी की चर्चा उस वीडियो में किया गया, और बाकी जो है अमलगेमेशन प्रोसेस के ऊपर जो अपडेट का बैंक ने जारी किया था उसकी जानकारी उसमें शेयर किया गया था। अभी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और उसके बाद क्या स्थिति बनती है उसके बारे में चर्चा इसमें किया गया। तो स्टार्टिंग में जो बैंक कुछ रिपीट होगा पुराने वीडियो के साथ में, वो इस तरीके से कंटिन्यूटी बनाने के लिए, तो बैंक जो 1894 में लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी जो अभी पाकिस्तान में है, और 1900 में जो है लाहौर के बाहर, सन 1900 में लाहौर के बाहर पहली ब्रांच इन्होंने बनाई, और पार्टीशन के समय जो है बहुत सारी ब्रांच और बहुत सारा बिजनेस जो है पाकिस्तान में रह गया, तो उसमें जो है 40% डिपॉजिट, 92 ऑफिस और करीब 1/3 ऑफ ब्रांच वो पाकिस्तान में रह गया। उसकी वजह से काफ़ी नुकसान इनको हुआ, फिर उन्होंने उसका धीरे धीरे जो अपना बिजनेस यहाँ पे डेवलप किया। लेकिन 1969 में जब बाकी बैंक नेशनलाइज हुए 13 और एक ये मिला के 14 बैंकों के नेशनलाइज हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक भी उनमें था। और 1 फरवरी 2018 को इन्होंने जो है एक मतलब ऐतिहासिक फ्रॉड की रिपोर्ट किया गया था, जो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के द्वारा जो LOU फ्रॉड था जिसकी कीमत करीब 11,400 करोड़ थी। तो वो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे खराब एक फ्रॉड, सबसे मतलब भयानक टाइप का था, तो उसको भी बैंक ने किसी तरीके से अभी टॉलरेट करके वापस जो है अपना बिजनेस में आ रही है। और 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का PNB के साथ मर्जर किया जाएगा, और वो 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हो गया। PNB की जो सब्सिडरी हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस, PNB मेटलाइट लाइफ इंश्योरेंस के लिए, और PNB इन्वेस्टमेंट सर्विस, PNB इंटरनेशनल और PNB गिल्ड्स लिमिटेड, ये सब इनकी मेन मुख्य सब्सिडरी हैं। तो अभी जो रिजल्ट आए हैं उनके बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, तो इंटरेस्ट अर्न जो है वो थोड़ा कम हो गया। इंटरेस्ट रेट इसका कारण लगता है कि इंटरेस्ट रेट डाउन है, अदर इनकम में थोड़ा सुधार है, और टोटल इनकम जो है 23,400 करीब करीब उतना ही है। एक्सपेंडिचर थोड़ा घटाया, उसके चलते जो प्रॉफिट जो 5,600 की बजाय 6,390 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, और अगर QOQ देखते हैं पिछले साल 3,700 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। प्रोविजन भी किया है, एक्स्ट्रा प्रोविजन किया है, पहले दो क्वार्टर में 4,600 करीब प्रोविजन होता, 5,400 प्रोविजन हुआ, उसके बाद PPBT 950 करोड़, और प्रॉफिट जो है नेट लेवल पे 506 करोड़ अगेंस्ट लॉस ऑफ 492 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले तो मगर जो है प्रॉफिट थोड़ा घटा है, 620 करोड़ के अगेंस्ट जो है 506 करोड़ है। तो ग्रॉस NPA 13.5 करीब था, तो वो 13 के करीब आ गया, और ये 4.5 से 4 आया नेट NPA, और 30,000 एब्सोल्यूट टर्म 30,900 से घटा गए 26,600 करीब आया ये, और जो नेट ग्रॉस है 96,000 करोड़ से 94,479। इस तरह का ये पिक्चर क्लियर हुआ है ये जो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट में। तो मतलब एक बोलेंगे एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस है, बहुत सुपर वगैरह नहीं बोल सकते, धीरे धीरे जो है अपना NPA की स्थिति में सुधार बैंक जो कर लाने की कोशिश कर रही है। ये पुरानी डाटा है, हिस्टोरिकल इनका इम्पोर्टेंस है कि 47,000 करोड़, 53,000 करोड़ इस लेवल की, 63,000 करोड़ लेवल की इसकी जो है इनकम होती थी, और जो है पिछले 5 साल में तो लॉस ही लॉस की स्थिति बनी हुई है। ये थोड़ा नॉमिनल प्रॉफिट 2017 में दिखाया था,
उसके अलावा अभी इस बार कुछ प्रॉफिट दिखाएगी क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में जो है प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो मुख्य बात इस बैंक की है इस तरह की 125 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग इंडस्ट्री का, और उसके अलावा इनके पास 10,925 ब्रांच है डोमेस्टिक, 2 इंटरनेशनल, 13,900 एटीएम और 12,346 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बीसी माने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, जो गांव गांव में जाके बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं, जहाँ पे ब्रांच खोल पाना जो है इकोनॉमिकल नहीं होता, वहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाई जाती है। 7% मार्केट शेयर एग्रीगेट डिपॉजिट में है और क्रेडिट में 6.5% के करीब मार्केट शेयर है पीएनबी का, और ये पोजीशन 1 जनवरी 2021 की कास्ट रेशियो 44.7 रिस्पेक्टेबल नंबर है, और इस तरह से एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं। तो अभी जो है ये अमलगमेशन की जो अपडेट है वो जो है पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म एक हो गया, और उसका जो है ओबीसी यूएनआई का वो अपग्रेड करने के बाद जो है एक साथ जो है इंटीग्रेशन हो चुका है। और अभी आप डिटेल में जो जानेंगे फाइनेंशियल हाईलाइट से डिटेल की, सेविंग डिपॉजिट 8.4% की, कासा जो है 44.66 है और उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिला है, हाउसिंग लोन 6.5% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.86% की ग्रोथ, नेट एनपीए 4.03, ग्लोबल नेम जो है 3.09, और इम्प्रूवमेंट कुछ हो सकता है, पीसीआर 85% है, कॉस्ट इनकम 43, तो बाकी बैंकों की तुलना में कॉस्ट इनकम काफी अच्छा है इसका। और अभी इन्होंने कैपिटल रेज किया, उसके बाद कैपिटल 13.88%, ये कासा इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, जो देख रहे हैं आप 14.89% से 44.66% तो थर्ड क्वार्टर में हो गया। और अगर डिपॉजिट देखेंगे एब्सोल्यूट टर्म में तो ये कम है, 73.8 का 70 है, और यहाँ पर देखिए ज्यादा है सेविंग में 36.88, 3,68,000 से लगा के 3,99,000 तक जो है सेविंग डिपॉजिट हुआ है, करंट डिपॉजिट इतना नहीं बढ़ा, लेकिन ओवरऑल कासा में इम्प्रूवमेंट हुआ 44.66% तक। निम का देखते हैं तो निम में जो है आपका ग्लोबल लेवल ओवरऑल बेसिस पे 3.09% है, जबकि डोमेस्टिक है 3.21%, तो इंटरनेशनल बिजनेस में मार्जिन कम रहता है इसके लिए जो है ओवरऑल कम है, जबकि ग्लोबल ये डोमेस्टिक 3.21 है। उसके अलावा जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ फंड्स वगैरह दिए हुए हैं। और जहां तक एनपीए रेशियो का सवाल है, एनपीए रेशियो धीरे धीरे घट रहे हैं, 15.34 पिछले साल की तीसरी तिमाही से कभी घट के 12.99 है, और ये नेट एनपीए 7.03 से घट के 4.0, अभी भी काफी हाई है नेट एनपीए, और कुछ उसमें सुधार आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, प्रोविजन कवरेज रेशियो 75 से बढ़ा के अभी 85, काफी जो है अभी रिस्पेक्टेबल पोजिशन में पहुंच गए। रिडक्शन इन क्रेडिट कॉस्ट एंड स्लिपेज रेशियो, क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हो गई और स्लिपेज रेशियो जो है क्वार्टर बाई क्वार्टर जो है वो घटता दिखाई दे रहा है। एनसीएलटी में इनके जो अकाउंट है टोटल उनकी वैल्यू है 77,276 करोड़, उनमें 95% जो है प्रोविजन किया हुआ है, 73,769 करोड़ प्रोविजन किया हुआ है, तो काफी कुछ मिल जाएगा, तो जो भी मिलेगा वो जो बॉटम लाइन में ऐड हो जाएगा, ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी में बूस्ट मिल सकता है कभी भी एक अच्छा कोई बड़ा केस जब रिजॉल्व होगा तो। कैपिटल एडजुकेशन का अभी आपने देखा कि इन्होंने कुछ क्यूआईपी लाए थे दिसंबर में, 3,35,000 करोड़ उसमें उठाया है, और इस प्रकार से जो कैपिटल एजुकेशन का 12.3648 के पास चल रहा था, अभी 13.88% हो गया, तो थोड़ा 1-2 क्वार्टर जो है उसमें थोड़ी शांति रहेगी। जो शेयर इशू किए थे वो 33 प्रीमियम के साथ इशू किए थे, 3,788 करोड़ रुपया टोटल उसमें आया था, और 33.50 रुपये प्रीमियम थी, 5% डिस्काउंट में दिया गया था। शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की 76.87% हो गई, अभी घट गई क्योंकि जो इशू हुआ है, और इसमें देखिएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 9.8 है, म्यूचुअल फंड 0.6 है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है 7.54, FII 3.81 और अदर्स 1.79, ये इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका।
495 करोड़, उसके बाद 81 बॉन्ड से जनवरी 21 से रेज किया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा ऑल इंडिया में फैला हुआ है, और रूरल में 35% ब्रांच है, सेमी अर्बन में 25% ब्रांच है, अर्बन में 21% है, और मेट्रो में 18% ब्रांच है इनका। रीजन वाइज जो ब्रेकअप है, नॉर्दर्न बेसिकली 32% नॉर्दर्न में है, और ये जो है सेंट्रल में, यहीं पे ज़्यादा है, और बाकी 23 ईस्टर्न में भी काफ़ी है, क्योंकि अब यूनाइटेड बैंक वगैरह आ गई इसमें, तो यूनाइटेड बैंक की ब्रांच उधर है। हांगकॉन्ग दुबई में इंटरनेशनल दो ब्रांच हैं। ये शेयर प्राइस इनका पुराना 26 अप्रैल से जो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 महीने का जो ट्रेंड है, अभी दिसंबर के एंड में जो है काफ़ी अच्छा हुआ था, ये QIP के समय के बाद में प्राइस इंक्रीज हुआ था, और उसके बाद फिर घटा हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बैंक सुधरेगी, मगर इसमें मतलब आपको ये नहीं है कि कल बहुत बड़ा कुछ अप मूव देखने को मिलेगा, ग्रोथ धीरे धीरे आएगी। इनमें क्या है कि असेट्स वगैरह काफ़ी हैं इनके पास, और जो काफ़ी वाइड प्रेजेंस है, जैसे जैसे इकोनॉमी में सुधार आएगा, तो PSU बैंक का जैसा पिछले करीब 1.5 महीने में जो PSU बैंक के शेयर्स में खासतौर से SBI में ऑलरेडी जो है करीब 47% का अप मूव पिछले 15 दिन में देखने को मिला है। PNB में भी कोई 15-20% का जो आपको मिलेगा, वो कंपेरेटिव टेबल अभी अगले स्लाइड में दिखाते हैं। तो ओवरऑल जो रिजल्ट की बात है, जो बुक वैल्यू कैलकुलेट करने से आती है 43 आती है, प्राइस टू बुक 0.89 है, क्योंकि पहले 0.5 के नीचे होता था, तो अभी काफ़ी सुधार हो चुका है प्राइस में ऑलरेडी, और भी मिलेगा, ग्रेजुअल मिलेगा, मगर आपको निवेश करना है अगर ग्रेजुअल से आप रखते हैं, और जैसे ये सब NPA का हैंगओवर खत्म होगा तो डिविडेंड में आ जाएंगे, तो देन अभी की जो अगर इन्वेस्टमेंट करते 30 रुपए के भाव में, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड मिलेगा इन PSU बैंक में निवेश करने से। ये ऐसा 3 साल 5 साल के लिए अगर निवेश करना है तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा निवेश साबित हो सकता है, और उसमें डिविडेंड यील्ड के रूप में और कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी। ये जो सुधार हुआ है पिछले 27 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में, SBI में 47% हुआ है, और PNB में 18% हुआ, बाकी कैनरा बैंक में 23-24% हुआ है, और इंडियन बैंक में 42% हुआ है। इस तरह से यूको बैंक को छोड़ के सभी शेयर जो पिछले 15-16 दिन में काफी तेज रफ्तार से बढ़े। पिछले 3 महीने के प्राइस की तुलना करें तो PNB का जो प्राइस है HDFC के प्राइस की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा इसको जो है अपमूव इसमें देखने को मिला है। जो ब्लू लाइन है ये दिखा रही HDFC, और येलो लाइन है वो है यूनियन बैंक, और जो PNB पिंक लाइन। तो यूनियन बैंक और PNB का करीब करीब जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट बीच में अलग अलग है, मगर स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट करीब 30% रिटर्न पिछले 3 महीने में मिला है, जबकि HDFC का रिटर्न करीब 10-12-13% रिटर्न है। तो प्राइवेट बैंक का टाइम हम काफी दिनों से बोलते आ रहे हैं, प्राइवेट बैंक जो है तो उनमें का बहुत हाई वैल्यूएशन था, और वो वैल्यूएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होगा, तो उसमें क्या टाइम बेस्ड करेक्शन या प्राइस बेस्ड करेक्शन, तो प्राइस बेस्ड करेक्शन अगर नहीं भी आए तो टाइम बेस्ड करेक्शन आएगा। और जो PSU बैंकों का टाइम अभी जैसे जैसे आ रहा है, अभी घोषणा भी हो चुकी है 4 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की, और उससे जो है इसमें इंटरेस्ट जो और ज़्यादा डेवलप होगा, और आने वाले से बहुत अच्छा वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो में दिया गया जानकारी यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से सभी वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा टाइम से, और जो हमारा ट्विटर हैंडल है BSNC2, वहाँ पे आपको सभी वीडियो संबंधी जानकारी मिल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट पंजाब नेशनल बैंक आफ्टर Q3 रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।